हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है डार्क रूम। अपना टॉपिक चल रहा है लेआउट ऑफ डार्क रूम, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में क्या है डार्क रूम्स की एंट्रेंस के बारे में, फ्लोर के बारे में, सीलिंग, वॉल्स, सेफ लाइट आदि के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपने बात करेंगे डार्क रूम के पास बॉक्स की, ड्राई साइड की, वेट साइड की, ये सब। तो अपने आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पास बॉक्स, देखो नाम से पता लग रहा है पास बॉक्स, यानी कोई चीज, कोई कैसेट वगैरह पास करने के लिए इसको यूज में लिया जाता होगा। द डार्क रूम इज कनेक्टेड टू एक्सेल रूम बाय मीन्स ऑफ पास बॉक्स। देखो इसमें बता रखा है जो डार्क रूम होता है वो क्या एक्सेल रूम से पास बॉक्स के द्वारा कनेक्ट रहता है। ठीक, पास बॉक्स के द्वारा कनेक्ट रहता है। अब देखो इस अपने क्या है पास बॉक्स में क्या क्या चीजें आ सकती है कि इसमें अपन ने एक्सपोज कैसेट रख दी, अनएक्सपोज कैसेट रख दी, ठीक है, उसी के द्वारा अपन ने क्या कैसेट को बाहर ले लिया, अंदर कर दिया, अपन को गेट ओपन करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। द पास बॉक्स इज ए स्मॉल बॉक्स बिल्ट इन टू एन ओपनिंग इन द वॉल प्रोवाइडेड विद डार्क डोर्स ऑन ईच साइड। पास बॉक्स क्या है, एक स्मॉल बॉक्स होता है जो कि दीवार की यानी वॉल्स में, डार्क रूम की वॉल्स के अंदर बना होता है, और इसके दोनों साइड क्या होता है डोर्स होते हैं, ताकि क्या है जो अपनी सेफ लाइट सॉरी एक्स एक्स रेज है वो इनको पास करके डार्क रूम में ना आ सके। इट हैज ओपनिंग इन द डार्क रूम एंड सच वेल इज इन टू द एक्सरे रूम। ये जो दो गेट्स होते हैं आपको बताए हैं पास बॉक्स के दोनों साइड, तो एक गेट किस में डार्क रूम में ओपन होता है और दूसरा गेट किस में एक्सरे रूम में ओपन होता है, तभी तो उनके बीच क्या कन्वेंस बना रहता है कैसे अपने ले सकते हैं और दे सकते हैं। नेक्स्ट है इट हैज लाइट टाइट, इट हैज टू लाइट टाइट एक्सरे प्रूफ डोर्स विच आर आइदर लॉक एंट्रेंस और रिवॉल्विंग। इसमें क्या है दो दोनों गेट्स होते हैं वो क्या लाइट टाइट गेट्स होते हैं, एक्सरे प्रूफ डोर्स होते हैं, और उनके एंट्रेंस क्या है लॉक रहती है या रिवॉल्विंग वाली एंट्रेंस होती है। तो इससे अपने क्या पता लग रहा है कि लाइट टाइट रूम्स होगा तो क्या एक्सपोजर जब अपने करेंगे तो एक्सरेज डार्क रूम में नहीं आ सकेगी, और उसकी एंट्रेंस भी कैसे रिवॉल्विंग है, जिससे क्या है जो गोलाई में होता है, जिससे क्या एक्सपोजर अंदर नहीं आ पाएगा। पास बॉक्स इज डिजाइन इन सच ए वे दैट नो लाइट एंड एक्सरे एंट्रेंस एंटर्स इन द डार्क रूम फ्रॉम एक्सरे रूम। पास बॉक्स इस प्रकार से बना होता है कि डार्क रूम में कोई भी लाइट या एक्सरेज एंटर नहीं हो सकती है, वो पूरा क्या है लाइट टाइट डोर्स लगे होते हैं उसमें। इन मोस्ट केसेस ए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक सिस्टम इज इंस्टॉल्ड सो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ओपन बोथ द डोर्स। इनमें क्या है मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है जिसके कारण डोर्स दोनों डोर्स को एक साथ ओपन नहीं कर सकते हैं। जब अपने एक डोर ओपन है तो दूसरा डोर ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, और जब दूसरा ओपन करेंगे उससे पहले अपने को फर्स्ट डोर को पूरा क्लोज करना पड़ेगा, जो कि अपन ने क्या है डार्क रूम की एंट्रेंस के टाइम पढ़ा था। वैसे इसमें सिस्टम होता है दोनों डोर्स एक साथ ओपन नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर दोनों डोर एक साथ ओपन हो गए तो उसमें क्या है एक्सरेज अंदर एंटर कर जाएगी और अपने डार्क रूम के अंदर जो अनएक्सपोज्ड फिल्म है वो खराब हो जाएगी। द पास बॉक्स इज डिवाइडेड इंटू टू कंपोनेंट्स, वन इज फॉर अनएक्सपोज्ड फिल्म एंड अनदर वन इज फॉर एक्सपोज्ड फिल्म। पास बॉक्स क्या है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स में वो डिवाइड रहता है। एक पार्ट वो होता है जिसमें क्या है एक्सपोज्ड फिल्म रखी जाती है, और दूसरा पार्ट वो होता है जिसमें क्या है अनएक्सपोज्ड फिल्म
रखी जाती है। दोनों फिल्मों को अपने एक साथ नहीं रख सकते हैं, कल को अगर मिक्स हो गए तो पता नहीं लगेगा कि कौन सी एक्सपोज और कौन सी एक्सपोज नहीं है। तो एक पार्ट होता है जिसमें क्या एक्सपोज फिल्म होती है, दूसरा पार्ट होता है उसमें क्या अनएक्सपोज फिल्म रहेगी। ये देखो आगे इसके डायग्राम में बताया गया, ये क्या है एक्स रूम है, इसके बाहर क्या है, सॉरी ये क्या है डार्क रूम है, इसके बाहर एक्स रूम है। तो इसके देखो पूरे लाइट टाइट डोर्स लगे हुए हैं, इसमें अनएक्सपोज फिल्म रहती है और इसमें एक्सपोज फिल्म रहेगी अपनी। एक डायग्राम और दिखाया गया, देखो इस प्रकार का बॉक्स होता है ये, जो क्या है वॉल्स के अंदर फिट होता है, और इसके दो डोर्स होते हैं लाइट टाइट एंड एक्स रे प्रूफ डोर्स होते हैं, और दोनों क्या है सेम टाइम में ओपन नहीं हो सकते हैं, या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक सिस्टम से वो दोनों जुड़े होते हैं, जो कि अपने दोनों डोर्स को एक साथ ओपन नहीं कर सकते। एक टाइम में एक ही डोर ओपन होगा, अगर दूसरा डोर ओपन करना है तो पहले डोर को पूरा बंद करना होगा। इस टाइप से वॉल्स के बीच में पास बॉक्स लगा होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ड्राई साइड ऑफ द डार्क रूम, डार्क रूम की ड्राई साइड के बारे में। ड्राई साइड देखो अपने से नाम से पता चल रहा है सूखी साइड, यानी इस पार्ट में क्या है बिल्कुल सूखे सामान रखे जाएंगे, जैसे कि एक्सपोज कैसेट हो गई, अनएक्सपोज कैसेट हो गई, इस साइड से क्या केमिकल्स को अपने दूर रखेंगे। इस पार्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो कि गिली हो, यानी जैसे अपने डेवलपिंग टैंक हो गए, वॉशिंग टैंक हो गए, फिक्सिंग टैंक्स हो गए, वो क्या है इस पार्ट्स में नहीं होते हैं। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, द डार्क रूम इज इंस्टॉलेड इन टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, नेमली ड्राई साइड एंड वेट साइड। डार्क रूम होता है वो क्या है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कौन कौन से, ड्राई साइड और वेट साइड में। दिस सेपरेशन इज वेरी इनिशियल, ये क्या है सेपरेशन होता है बहुत ज्यादा इनिशियल होता है, पूरा अलग अलग सिस्टम रहता है, दोनों पास पास में भी नहीं होते हैं, क्योंकि कल को जैसे कि अपने कोई एक्स है फिल्म है उसको वॉशिंग कर रहे हैं या डेवलपिंग कर रहे हैं, उस टाइम कोई भी केमिकल्स का ड्रॉप आके अगर अपने फिल्म पे गिर गई तो क्या फिल्म खराब हो जाएगी। तो ड्राई साइड बिल्कुल अलग रखेंगे और वेट साइड वो बिल्कुल अलग रहेगी। द डार्क रूम असिस्टेंट बाई कंसनट्रेट प्रैक्टिस कैन एडोप्ट दिस सेपरेशन इज नेचुरल वन। जो डार्क रूम होता है उसमें काम करने वाले रेडियोग्राफर को ये क्या है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, कि उसको पता लग जाता है कि इस साइड अपनी ड्राई साइड है, इस साइड वेट साइड है, इस साइड में क्या है ड्राई थिंग्स रखनी है, इस साइड में वेट थिंग्स रखनी है, उसको क्या पूरी प्रैक्टिस रहती है, कंसंट्रेट रहता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एनी वेट ऑब्जेक्ट्स केमिकल्स आर टू बी अवे फ्रॉम द ड्राई साइड सो दैट इट रिमेन्स ड्राई एट ऑल टाइम। कोई भी वेट ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी केमिकली ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं अपने वो ड्राई साइड से दूर रहने चाहिए, और ड्राई साइड्स क्या हमेशा ड्राई ही रहनी चाहिए, उस पर कोई भी वेट साइड का प्रोडक्ट या कोई थिंग्स ऑब्जेक्ट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई साइड में अपनी वेट साइड्स के कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ गया तो क्या है वहाँ की फिल्म्स को वहाँ की जगह को वो क्या है खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। इट इज हेंस दैट द कैसेट आर लोडेड एंड अनलोडेड इवन ए स्मॉलेस्ट ड्रॉप ऑफ वाटर कैन डैमेज द एक्सरे फिल्म। इस साइड में क्या है कैसेट लोडेड और अनलोडेड होती है, अगर वहां एक बाई चांस स्मॉलेस्ट ड्रॉप एक छोटी सी पानी की बूंद भी आ गई तो क्या एक्सरे फिल्म को खराब कर देगी। इससे इसलिए अपने क्या दोनों साइड्स को पूरा अलग अलग रखते हैं। द ड्राई साइड इज प्रोवाइडेड विद ड्राई लोडिंग बेंच विच इज कवर्ड विद द शीट ऑफ फाइबर बोर्ड और प्लास्टिक। ड्राई साइड में क्या है एक ड्राई लोडिंग बेंच होती है, और वो बेंच क्या है फाइबर शीट से या फाइबर बोर्ड से या प्लास्टिक से पूरी कवर्ड
कवर रहती है। द डिमिनेशंस ऑफ ड्राई बेंच इज सच दैट और लॉन्ग इनफ टू ऑल थ्री और फोर लार्जेस्ट कैसेट टू बी प्लेस्ड अपॉन इट विदाउट ओवरलैपिंग व्हेन दे आर ओपनिंग। उसका इतना डायमेंशन होता है भाई, जो अपनी टेबल होती है ड्राई टेबल बेंच, वो इतनी चौड़ी होती है कि उस पर तीन या चार अपनी लार्जेस्ट कैसेट ओपन करके रख सकते हैं बिना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हुए। एंड तीन या चार कैसेट अपने ऊपर ओपन कर सकते हैं जो कि एक दूसरे पे ओवरलैपिंग ना हो। उसका इतना इनफ स्पेस होना चाहिए। द रिकमेंडेड लेंथ एंड वेथ इज 2.5 मीटर एंड 0.6 मीटर। जो किसकी अपने को लेंथ बताई गई वो कितनी होती है, 0.6 मीटर इसकी वेथ रहती है और 2.5 मीटर इसकी लेंथ रहती है। द हाइएस्ट हाइट शुड नॉट बी लेस देन 0.9 मीटर। इसकी हाइट वो कितनी होनी चाहिए, 0.9 मीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 0.9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। द बेंच इज इक्विप्ड विद वन और सेवरल ड्रावर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एसेसरीज सच एज सीजर क्लिप्स राइटिंग एंड मार्किंग मटेरियल रबर स्टैम्प्स फिल्टर ऑफ सेफ लाइट थर्मोमीटर एंड ATC। इसके बेंच में क्या है, इक्विपमेंट्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ड्रावर्स लगी होती है जिसमें क्या है अपने सीजर क्लिप्स कोई भी मार्किंग करने के लिए मार्कर रबड़ स्टैम्प्स सेफ लाइट के फिल्टर थर्मामीटर्स ये सारे रखे हुए होते हैं। थर्मामीटर अपने क्या काम आता है, डेवलपिंग और फिक्सिंग टैंक का टेम्परेचर चेक करने के लिए कि यह ज़्यादा टेम्परेचर तो इनका नहीं है। ये सारे क्या है, एक या एक से अधिक ड्रावर्स लगी होती है उसमें सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। द फिल्म हैंगर्स शुड नॉट बी सस्पेंडेड ओवर द सेंटर ऑफ ड्राई बेंच बिकॉज इफ दे फेल एक्सीडेंटली दे विल डैमेज द एक्सरे फिल्म्स। जो अपने क्या फिल्म के हैंगर्स होते हैं उनको ड्राई बेंच के सेंटर में नहीं लटकाने चाहिए, क्योंकि बाय चांस एक्सीडेंटली अगर कोई भी नीचे गिर गया तो वो क्या है एक्सरे फिल्म्स को डैमेज कर देगा, इसलिए हैंगर्स को क्या है साइड में रखना चाहिए। प्लेस द फिल्म हैंगर्स ऑन स्पेशल हुक विच आर फिक्स्ड इन टू द साइड वॉल ऑफ द ड्राई साइड। जो अपने हैंगर्स के हुक आते हैं स्पेशली जिसको क्या है वॉल्स में फिक्स्ड कर दिया जाता है, कौन सी वॉल्स में, जो ड्राई साइड के पास की वॉल्स है साइड की वॉल है उसमें अपने उसको फिक्स कर देते हैं ताकि वो न तो नीचे गिरे ताकि फिल्म खराब हो और वहीं पे फिक्स रहे। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं वेट साइड की, वेट साइड ऑफ डार्क रूम, डार्क रूम की वेट साइड। द वेट साइड इज प्लेस वेयर द फिल्म इज केमिकली प्रोसेस्ड एंड फाइनली बिकम्स ए रेडियोग्राफ्स। वेट साइड वो साइड होती है जहां पर फिल्म क्या है केमिकली प्रोसेस जितना भी होता है फिल्म का वो सारा क्या है वेट साइड में होता है और उसके बाद फिल्म तैयार होके रेडियोग्राफ्स यानी इमेज पूरी तैयार होती है। वो कौन सी साइड होती है अपनी, वेट साइड, जहां पे क्या पूरा केमिकली प्रोसेस होता है। ए सीरीज ऑफ टैंक फॉर द बाथ आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर एंड दे फॉर्म ए लार्ज यूनिट। दिस यूनिट इज अवेलेबल इन मार्केट इन वेरियस साइज। जो टैंक्स की सीरीज होती है बाथ टैंक्स की जिसमें अपन क्या है फिल्म को केमिकली प्रोसेस करवाते हैं, जो कि डेवलपिंग की फिक्सिंग की वॉशिंग की सारी जो टैंक्स होते हैं वो क्या एक सीरीज से लगे हुए होते हैं और सारे जुड़ के एक लार्ज यूनिट बनाते हैं। ये यूनिट क्या मार्केट में अलग अलग साइज में अपने को अवेलेबल होती है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेटिंग डिवाइस इज नेसेसरी टू मेंटेन द टेम्परेचर
टेम्परेचर, और उसमें क्या है वेट साइड में जो अपने टैंक्स लगे होते हैं उनमें क्या ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेटर लगा होता है, जिससे क्या वो टैंक्स का टेम्परेचर अपने को बताता रहता है, पूरा मेंटेन रखता है। टू, स्ट्रिंग पेडलर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डेवलपर एंड फिक्सिंग फिक्सर सॉल्यूशन। दो स्ट्रिंग पेडल्स होते हैं वो क्या है डेवलपर और फिक्सिंग सॉल्यूशन को मिलाने के काम आते हैं। यूजुअली द प्रोसेसिंग केमिकल्स आर प्रोवाइडेड इज ड्राई पाउडर्स और लिक्विड सॉल्यूशन। जो केमिकल प्रोसेस होते हैं जो अपने टैंक्स में केमिकल तैयार करते हैं वो क्या है सूखे ड्राई पाउडर्स में और लिक्विड सॉल्यूशन में अपने को प्रोवाइड होते हैं, जिनसे अपने क्या है पूरे टैंक्स का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। द टैंक्स मे बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक और हार्ड रबर। नॉर्मली स्टेनलेस स्टील टैंक्स आर यूज्ड। टैंक्स क्या है स्टेनलेस स्टील के, प्लास्टिक के या हार्ड रबर के बने होते हैं, और ज्यादातर अपने क्या है स्टेनलेस स्टील्स के बने टैंक ही काम में लेते हैं। साइज ऑफ द टैंक्स नीड्स टू बी सुटेबल फॉर प्लेसिंग एट लीस्ट 4 फिल्म्स इन द टैंक एट वन टाइम। द स्पेस बिटवीन द फिल्म्स इन द बाथ एट लीस्ट 0.8 इंच। अपने टैंक्स का साइज इतना होना चाहिए कि उसमें क्या है अपने एक टाइम में 4 फिल्म्स को रख सके, और फिल्म्स के बीच में 0.8 इंच का डिस्टेंस रहना चाहिए, यानी 0.8 इंच का डिस्टेंस से अपनी 4 फिल्म एक टैंक में एक ही बार में एक टाइम में रख सके, इतना क्या है टैंक ऊपर से चौड़ा होना चाहिए। द वेट साइड इज इक्विप्ड विद एट लीस्ट 4 टैंक्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग। जो वेट साइड है उसमें क्या है 4 टैंक्स पूरे अरेंज्ड ऑर्डर में लगे होते हैं प्रोसेस करवाने के लिए। वो अरेंज्ड ऑर्डर कौन सा होता है, सबसे पहले रहेगा अपना डेवलपिंग टैंक, फिर टैंक फॉर रिंजिंग, फिर फिक्सिंग बाथ, फिर टैंक फॉर वॉशिंग। यानी सबसे पहले डेवलपिंग होगी, फिर रिंजिंग, फिर फिक्सिंग और वॉशिंग। ये सारे टैंक्स क्या है इसी अरेंज में इसी सीक्वेंस में अपने वेट साइड में लगे रहते हैं। ए फिक्सिंग टैंक शुड हैव अबाउट ट्विस द वॉल्यूम ऑफ द डेवलपिंग टैंक। जो फिक्सिंग टैंक होता है वो क्या डेवलपिंग टैंक की तुलना में डबल रहता है, एंड जो फिक्सिंग का टैंक है वो क्या है इतना चौड़ा होता है कि डेवलपिंग टैंक से दुगना हो, डेवलपिंग टैंक का जो आकार है उससे दुगना फिक्सिंग टैंक का आकार रहता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। उसमें क्या अपने रूम्स विंडो तो रख नहीं सकते, तो उसमें क्या अपने एसी लगाएंगे, तो एसी टेम्परेचर मेंटेन रखेगी, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होने देगी, वो सारे के अपने आगे पढ़ते हैं। द रूम शुड बी प्रोवाइडेड विद एयर कंडीशनिंग विच इज मोर सुटेबल देन क्रॉस वेंटिलेशन बाई फैंस। अपने क्या है डार्क रूम के अंदर वेंटिलेशन और फैंस की तुलना में ज्यादा सुटेबल रहता है कि अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगवाएं, क्योंकि फैंस या वेंटिलेशन क्या डस्ट उड़ेगी या डस्ट आएगी जिससे कि अपनी फिल्म खराब हो सकती है। डार्क रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेनेड बिटवीन 18 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस। डार्क रूम का नॉर्मली टेम्परेचर क्या रहता है 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक का। इस टेम्परेचर को मेंटेन क्या है अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम करके रखेगा। द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फेयर इन द डार्क रूम शुड बी 40% टू 60%। डार्क रूम में क्या है एटमोस्फेयर की ह्यूमिडिटी कितनी रहनी चाहिए 40% से 60%। और इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट अपने बात करते हैं डार्क रूम के मेंटेनेंस की।
डार्क रूम का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, अपने कोई भी चीज का मेंटेनेंस करना कैसे करते हैं, हमेशा उसको पूरी सफाई रखेंगे, हमेशा उसकी देखभाल करेंगे, कोई भी सामान नहीं होता तो उस सामान की पूर्ति करेंगे, इधर उधर वस्तुएं बिखरी हो तो उसको ढंग से लगाएंगे, और जिस भी चीज़ की कमी होती है उस चीज़ की कमी को पूरा करते हैं, हमेशा उसको अच्छी तरह चेक करते हैं, सारी क्या मेंटेनेंस की बातें होती है। तो डार्क रूम का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, द डार्क रूम इज नीड डे टू डे मेंटेनेंस एंड गुड हाउसकीपिंग। डार्क रूम क्या है, डार्क रूम के अपने को दिन टू दिन यानी लगातार हमेशा उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है और अच्छी हाउसकीपिंग रखनी पड़ती है, तभी क्या अपना डार्क रूम अच्छे से प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो उसमें क्या डस्ट वगैरह जम जाएगी जो फिल्म्स को ख़राब कर देगी, तो ये सारे क्या अपने आर्टिफिकेट्स फिल्म में आने लग जाएंगे। द डेवलपिंग एंड फिक्सिंग सॉल्यूशन शुड बी चेंज रेगुलरली व्हेन दे बिकम्स वीकर विद यूज एंड टाइम। डेवलपिंग और फिक्सिंग सॉल्यूशन को क्या है, रेगुलरली टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, जैसे कि एक हफ्ते से या उसके यूज होने के हिसाब से, वो क्या ज़्यादा यूज हो रहा है वर्कलोड पे डिपेंड करता है, उसको क्या हमेशा टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। दीज केमिकल्स कैन डैमेज स्किन एंड क्लोथ्स, सो प्रॉपर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डार्क रूम में काम आने वाले केमिकल्स जैसे कि बेस, कोई बेस होते हैं, कोई एसिड्स होते हैं, वो क्या है कपड़ों को या स्किन को डैमेज कर सकते हैं, तो उनका प्रॉपरली अपने को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पूरा उनका ध्यान रखना पड़ता है कि अपने कपड़े पे या अपने स्किन पे ना लग जाए, क्योंकि वो स्किन या कपड़े को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एवरी डे इन द मॉर्निंग द डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड यूजिंग द स्ट्रिंग पेडल्स। दीज केमिकल्स टैंक्स एंड रोड शुड नॉट बी मिक्स्ड एंड कीप सेपरेटली विद लेबलिंग। इसमें क्या अपने हमेशा मॉर्निंग में आके अपने को क्या है डेवलपिंग और फिक्सिंग सॉल्यूशन को मिक्स्ड करना होता है अच्छी तरह स्ट्रिंग पेडल्स की सहायता से। इन केमिकल टैंक्स को अपने मिक्स करने के लिए क्या है रोड का यूज लेते हैं, जो रोड्स अपनी क्या हमेशा मिक्स नहीं होनी चाहिए, जो डेवलपिंग सॉल्यूशन की रोड है वो डेवलपिंग को ही मिक्स करेंगे और जो फिक्सिंग सॉल्यूशन के उससे फिक्सिंग सॉल्यूशन को ही मिक्स करेंगे, इनको आपस में मिक्स नहीं करेंगे रोड्स को, इनको सेपरेट रखेंगे लेबलिंग करके। द डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन शुड बी चेंज वंस इन 30 डेज फॉर लेजर डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। जो अपना डेवलपर और फिक्सिंग सॉल्यूशंस है वो क्या है हमेशा 30 दिन से या उससे कम टाइम में चेंज होना चाहिए, ये डिपेंड करता है अपने वर्कलोड पे, कि अगर ज़्यादा वर्कलोड होगा तो अपने क्या है 30 दिन से पहले इसको चेंज कर देंगे, अगर वर्कलोड कम रह रहा है तो लगभग अपने 30 दिन पे इसको चेंज करते हैं। वो जब अपने फिल्म को फिक्सिंग डेवलपिंग सॉल्यूशन वॉशिंग से निकालते हैं तो उसमें क्या टाइम ज़्यादा लगने लग जाता है, फिल्म अपनी प्रॉपर टाइम में तैयार नहीं हो पाती है, तो अपने को पता लग जाता है कि सॉल्यूशन क्या है अपने को चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, द वाटर इन द रिंजिंग एंड वॉशिंग टैंक मस्ट बी चेंज्ड एवरी डे, क्लीन रनिंग वाटर शुड बी प्रिफेर्ड फॉर दिस पर्पज। अपने क्या है रिंजिंग और वॉशिंग टैंक में हमेशा पानी को चेंज करेंगे रेगुलरली एवरी मॉर्निंग में, यानी सुबह आते अपने क्या है पानी को रिंजिंग और वॉशिंग टैंक के हमेशा चेंज करते हैं, और इसके लिए अपने क्या है क्लीन वाटर यूज में लेते हैं, ताकि अपने कोई भी क्लीन वाटर होना चाहिए उसमें कोई भी डस्ट वगैरह ना हो, अगर डस्ट वगैरह होगी तो वो क्या फिल्म पे लग जाएगी और फिल्म अपनी क्लियर नहीं आ पाएगी, इसलिए क्लीन वाटर का यूज लेते हैं और हमेशा इनको सुबह आते ही रिंजिंग और वॉशिंग टैंक के वाटर को चेंज करते हैं। ये अपने क्या डार्क रूम की मेंटेनेंस हो गई, मेंटेनेंस रखनी अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो अपने क्या फिल्म्स खराब आने लगेगी, एक्सपोजर सही होगा पर फिल्म्स क्या सही नहीं बनेगी, फिल्म में आर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, ये सारे क्या मेंटेनेंस के कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं,
ये अपना क्या लेआउट ऑफ डार्क रूम टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।